ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। हाय जसलीन, जसलीन राइट? हाय सर। हाँ जी, आप अभी टोरंटो पहुंच गए राइट? सर नहीं, हम बिटवीन है, हम अभी तिराना में है। अच्छा, स्टे चल रही है हमारी, थ्री डे स्टॉप पर है हमारा तिराना में। ठीक है, अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपने दिल्ली से फ्लाइट ली थी? सही है, दिल्ली टू मुंबई, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने प्रॉपर दिल्ली में बोर्डिंग वगैरह की, जस्ट विद इन 45 मिनट्स और 1 आवर के बीच बीच हमारी बोर्डिंग प्रॉपर हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ दिल्ली में। और फिर हम मुंबई के लिए मतलब फ्लाइट हमारी चली गई, और मुंबई में क्वेश्चनिंग हुई थी थोड़ी बहुत, उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा कोर्स लेके जा रहे हो कैनेडा, तो कोर्स से रिलेटेड ही हुए थे। और हमारे एक पासपोर्ट पे नंबर होता है जो यूसीआई नंबर कहते हैं उसे, और उसके साथ हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर चेकिंग हुई थी। और फिर मुंबई में भी कोई इतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब की कोई इतनी क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी मुंबई तक, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ठीक है, एंड मुंबई से आप अभी डायरेक्टली कहाँ गए, अल्बेनिया या फिर? मुंबई टू फ्रैंकफर्ट थी हमारी फ्लाइट, और फ्रैंकफर्ट में हमारी मतलब 12 आवर्स की स्टे थी, फ्रैंकफर्ट में भी हमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। और फिर फ्रैंकफर्ट से हमारी तिराना की फ्लाइट से थी, वो जो थी 1 hour 45 minutes, एंड हमें तिराना में सिर्फ ये क्वेश्चन हुआ था कि आप तिराना में ही क्यों आए हो अगर आपको कनाडा जाना था, तो हमने उनको सिर्फ ये बताया कि हमें कनाडा जाना था, तो हमने स्टे लिया है यहाँ पे 3 दिन की। अच्छा। तो दैट हाँ जी, हाँ जी, अगेन टू फ्रैंकफर्ट टू फ्लाइट कनाडा। ओके, तो आपकी फ्लाइट टोरंटो के लिए कब है? टोरंटो के लिए 1st July को है हमारी फ्लाइट। परफेक्ट, अभी तक ऑल कोई बिल्कुल हैसल फ्री रहा, कोई टेंशन नहीं आई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अभी तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आया। ठीक है, जब आप वहाँ से बोर्ड करोगे, जब टोरंटो पहुंचोगे, तो प्लीज एक छोटा सा रिव्यू और शेयर कर देना रिकॉर्डिंग में इफ पॉसिबल। या बिल्कुल 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 या। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। आई एम गुड। गुड, कांग्रेचुलेशंस, यू लैंडेड व्हाइल अल्बेनिया। थैंक यू। ओके, आई हैव सम क्वेश्चंस। आर यू फ्री, अवेलेबल? यस। ओके। Yeah, I'm not free. Okay. Did you face any questioning at immigration in Albania? In Albania, yeah, there were questions when we reached the airport and we wanted to go to hotel. And then they asked us that why we are staying in Albania. So at the time we answered them that we need to stay at the 3D hotel because we need to get our COVID report in third country. Mm-hmm. So they asked us about why we are traveling and some basic questions about our study or something. Okay, all were the basic questions, nothing extreme or no interrogation. Yeah. Okay. Cool. No. And when you landed in Canada, like CBSA was also good, right? Yeah, they also just asked for simple documents like fees, receipts. Like we all knew that they would ask for them. So there was no extraordinary question. Because actually, lot of people were asking like, what are the issues that you face in Albania? So technically, no issues, right? No. Yeah. Okay. Perfect. Thank you so much for this. Yeah.